हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे, मस्त होंगे सब। और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं। तो वीडियो की शुरुआत तो वैसे मैंने पहले ही कर दी थी थोड़ी थोड़ी, पर अभी आपसे बात कर रही हूँ थोड़ी सी। आज कल मैंने वीडियो मतलब शॉर्ट्स तो डाली थी, वीडियो नहीं, क्योंकि ऐसे मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि व्यूज़ हैं वो कम ही आ रहे हैं। ऐसे इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी वीडियो भी बना रही हूँ, छोटी भी बना रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ऐसे मन भी नहीं कर रहा, तो बनाई नहीं मैंने। अभी थोड़ी सी बनाई थी, वो ही आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज गए हैं और काम मैंने कर लिया है ख़त्म, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा कम ही होता है काम है, और सुबह के टाइम होता है ज़्यादा थोड़ा। और आजकल वैसे खेत का काम है वो तो हो गया ख़त्म, अभी फिर से बिजाई हो गई है खेतों में। तो और जो हमारे घर में जो बाड़ी बाते हैं हम, मतलब जो सब्जियां बोते हैं ना, वो भी अभी पूरी खेत है वो खाली कर रखा है, फिर से मतलब नई जो है सब्जियां वो उगाएंगे। अभी थोड़ी बहुत बार रखी है, मतलब पालक धनिया ये बार रखा है थोड़ा सा, और बाकी वो तो मैंने पहले आपको दिखाया था, थोड़ा सा है वो तो मूली है और थोड़ा सा पालक है और थोड़ा सा धनिया है, घर के लिए बस यही बो रखा है। और ज़्यादा है वो सब्जियाँ अभी बोएंगे, बोई नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाई दूँगी आपको कभी कब बो रहे हैं। तो काम हो गया है, और ये दोपहर को कपड़े धोए थे। काम तो पता ही आपको घर का होता ही रहता है, पर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, ऐसे याद भी नहीं रहता कि करूँ, ऐसे भूल जाती हूँ मैं तो। काम पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ, आपको दिखाना ही भूल जाती हूँ कि ये चीज़ दिखाऊँ। दिन भर घर के काम भी होते हैं और भी एक्स्ट्रा निकल ही आता है, कोई ना कोई काम, कभी कुछ होता ही रहता है, पर दिखाई नहीं पाती हूँ आपको, ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी जो भी थोड़ी बहुत वीडियो की थी मैंने शूट, वो ही मैं आपको सबको दिखा देती हूँ, आप उससे पे ही अपना प्यार और सपोर्ट है वो देना। और अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, और कोई कमी हो वीडियो में तो वो भी शेयर कर दिया करो, वो भी बता दिया करो कि क्या कमी है वीडियो में। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी लगन से काम कर रही हूँ, पर व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर ऐसे थोड़ा मन सा खराब हो जाता है कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। पहले ठीक ठाक आते थे और अभी नहीं आ रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो में मतलब ऐसे हो गया कि कभी अब खेतों में और घर का, दीपावली के टाइम पर इतना ज़्यादा काम था कि समझ ही नहीं आता था कब सी वीडियो एडिट करूँ, कब सी एडिट करूँ, ऐसे कभी सुबह हो जाता था, कभी शाम को हो जाता था, ऐसे ही हो जाता था। तो उसकी वजह से ही फिर धीरे धीरे कम होते गए हैं व्यूज़, और वीडियो पे भी मैं सबकी पे नहीं जा पाई थी। अभी तो कोशिश कर रही हूँ सबकी वीडियो पर जाने की, फुल वॉच करने की, पहले थोड़ा सा उकझुक हो गया था, अभी तो फिर से टाइम मिलने लग गया। मतलब उस टाइम खेतों में भी काम हो गया, घर का काम हो गया, तो टाइम ही नहीं मिल पाया, तो व्यूज़ कम ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करना, और मतलब वीडियो पर प्यार देना अपना। मैं भी सबकी वीडियो है वो फुल वॉच ही करने की कोशिश करती हूँ मैं तो अधिकतर, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो वो नहीं भी देख पाती हूँ, बाकी सबकी ऐसे ही सोचती हूँ कि फुली वॉच करूँ। 5-7 मिनट की अगर वीडियो होती है तो फुली वॉच करते हैं ऐसे, अब ज़्यादा ही बड़ी वीडियो जाती है 15-20 मिनट की तो थोड़ी मतलब 50% तक हो जाती है वो। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक और वीडियो के साथ, और दिखाती हूँ आपको कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या शूट किया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, बस छोटी सी है। तो ये है संडे के दिन की क्लिप है, और यहाँ पर मैंने ये शकरकंदी है वो सेकी है तो वही मैं दिखा रही थी, और ये सोमिया भी ले रही है, पर गर्म लग रही है इसे तो ये चेक कर रही है अंगूठे लगा लगा के। मैंने चूल्हे से निकाली है, अभी चूल्हे में सेकी है ये, तो ये गर्म है अभी निकाली है ना, तो और ये ठंडी हो गई है तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, और ये सौम्या भी शकरकंदी खा रही है।
आप में से किन किन को शकरकंदी अच्छी लगती है? हमारे तो खेत में लगी हुई है, मैंने पहले कई बार दिखाया आपको। ये सोमिया भी खाने लग गई है और मैं भी खा रही हूँ, तो ये दिखा रही है आपको। और ये भी संडे की दिन की क्लिप है, मतलब रात की। तो यहाँ पे मैं बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन है उनको पका रही हूँ। वैसे तो चूल्हे पर पका सकते हैं इनको, पर चूल्हे पर मैं नहीं पकाया मैंने, क्योंकि रोटियाँ बना रहे थे और मैंने सब्जी में थोड़ा सा लेट कर दिया था, क्योंकि चूरमा बना रहे थे संडे के दिन हमारे यहाँ, मतलब जो हमारी भैंस के दूध की खीर और चूरमा ये बनाया था, तो ये सेक रही हूँ मैं। तो सेक तो मैंने लिए हैं और ये देखो काट के, और रख भी लिए हैं ऐसे, दोनों ही सही निकले थे, ख़राब नहीं निकला था कोई सा भी। तो एक कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, अब बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैं मसाले हैं वो तैयार कर रही हूँ, पहले प्याज और हरी मिर्च हैं वो काट रही हूँ, एक टमाटर डाल दूँगी, और ये जो बैंगन थे मैंने पका के रखे थे उनका भी छिलका डाल लिया है और काट के हैं और वो रख लिए हैं। सब कुछ ऐसे काट के मेस टाइप से कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छे से बन जाएगा ये, एकदम से अच्छे से बनता है ना तो फिर अच्छा लगता है ये, और मुझे तो बहुत पसंद है ये, और भी जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी बहुत पसंद है। बाकी तो हमारे घर में जो मेरे सास ससुर हैं वो तो कम ही खाते हैं, ये खाते ही नहीं हैं। तो ये डाल दी है हमने प्याज और हरी मिर्च, तेल गरम हो गया था, जीरा भी डाल दिया था मैंने, और उसके बाद डाल दिए हैं प्याज और हरी मिर्च, ये पक जाएंगे थोड़ी सी देर। प्याज और हरी मिर्च पकने के बाद जो बाकी के मसाले हैं वही मैं ऐड कर रही हूँ, ये नमक डाल दिया है मैंने, और जो मिर्च और वो हल्दी हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। तो अब इनको पका लूँगी थोड़ी सी देर और ये पक जाएंगे ना। ये टमाटर भी डाल दिया है मैंने ऐसे ही काट के छोटा सा एक, अभी बस ये मसाले पक जाएंगे ना तो उसके बाद है वो मैं डाल दूँगी। वैसे तो सबको बनाना आता ही है, पर मैं मेरा तरीका मैं जैसे बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो टमाटर भी डाल दिया है और ये भी पक गया है, तो अब मैं ये जो बैंगन काट के रखा था मैंने ये भी डाल दूँगी और इसको चलाते ही रहूँगी, ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, और जो मेरे हस्बैंड है उनको भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे एकदम से एक मिक्स हो जाता है ना अच्छे से, वो अच्छा लगता है। तो ये हो गया है लगभग तैयार, और मैं चलाऊंगी तो थोड़ी सी देर फिर और पक जाएगा ये, और लास्ट में इसमें धनिया पाउडर है वो डाल दूंगी मैं। और ये है सोमवार के दिन की क्लिप है, दोपहर में जब मैं रोटी बना रही थी उस टाइम की, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज भी बाजरा की रोटी, क्योंकि अब बाजरा निकलवा लिया ना हमने तो ऐसे ही बनाते रहते हैं अब। वैसे ऐसे तो नहीं है कि दोनों टाइम बाजरा की खाते हैं, पर जब इच्छा होती है तभी खा लेते हैं, आजकल वैसे तो बहुत ज़्यादा बाजरा नहीं खाते हैं, किसी को सेट भी नहीं होता, मतलब किसी को होता है किसी को नहीं होता ऐसे, तो गेहूं की भी बनानी पड़ती हैं रोटियां और ये बाजरे की भी बनानी पड़ती हैं। तो मैं बाजरे की बना रही हूँ, धीरेन को बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती हैं ये, और तो बाकी कम ही खाते हैं घर में मेंबर हैं, कई कई खा भी लेते हैं थोड़ी बहुत और कोई नहीं भी खाते हैं। तो ये मैं बाजरे की बना रही हूँ, और एक जो मेरी यूट्यूब फ्रेंड थी वो बोल रही थी कि आप तो छोटी छोटी रोटी बनाते हो आपको बनानी नहीं आती, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं तो उनको छोटी छोटी रोटियाँ अच्छी लगती हैं, और बाकी हमारे घर में ऐसे बनाते भी ज़्यादा बड़ी और मोटी रोटियाँ नहीं बनाते हैं हम, चाहे गेहूँ की हो चाहे बाजरे की हो, पतली ही रोटियाँ बनाते हैं वही खाते हैं, ऐसे मोटी मोटी ज़्यादा खाते नहीं हैं हमारे घर में, ऐसी रोटियां बनती हैं। और ये बहुत अच्छी बनी थी वैसे, बहुत अच्छी भी लग रही थी, तो ये बन गई है, मैंने दो चार रोटियां बनाई थी बस, और ये हो गई है रोटी तैयार। ये डाल दिया इस पे घी, और घी डाल के मैं शक्कर डाल दूँगी, ये गाय का घी है, भैंस का तो अभी निकाला नहीं है हमने, निकालना शुरू नहीं किया मतलब, तो ये गाय का ही है,
तो किन किन को पसंद है ऐसे बाजरे की रोटी, घी और उसके ऊपर शक्कर, ये किसको पसंद है? आ जाइए भाई, देसी खाना हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही खाते हैं हम तो सर्दियों में। ये कर दिया है सुबह सुबह बच्चों का टिफिन तैयार। ये अचार के बनाए हैं मैंने पराठे दोनों के लिए ही, ये धीरेन के लिए है और ये दही भी डाल दिया है। और खा लिया हम उन्होंने एक एक, और ये डाल दिया है, पैक कर दिए हैं दोनों के। इसका ढक्कन रह गया बाहर, वो भी लेके आती हूँ मैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद ये है दोपहर की क्लिप। तो यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ प्रेस करने कपड़ों के। तो दिन भर तो आपको पता ही है बहुत सारे काम हो जाते हैं, दिन भर आपको पता है कितने सारे काम हो जाते हैं। घर में हम पशु भी रखते हैं तो उनका भी काम हो जाता है, दूध निकालना, छाछ बनाना, दूध को गर्म भी करना, और घर का बच्चों का साफ सफाई, नहाना धोना, सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। पर सबकी वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, जितना होता है याद आता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस आज की वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, अपनी फैमिली।